Hello students, welcome to class 4th. We start new exercise 3.3. In this we do direct multiply by single digit number. Okay. Then start now 5. जो number नीचे लिखा होता है उसकी table हमें बोलनी होती है कितने times जितने ऊपर लिखे हुए हैं. यहाँ पे 5 लिखा है, 5 की table हम बोलेंगे 4 times तक. 5 1 times 5, 5 2 times 10, 5 3 times 15, 5 4 times 20 ऐसे भी हम बोल सकते हैं. और दूसरा मेथड भी है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20. जो मेथड आपको इजी लगे उसी मेथड से कर लेना है. 5 4 ज़ा 20, तो 20 का जो राइट हैंड साइड का जीरो है वो तो नीचे आ जाएगा, 2 हो जाएगा उसका कैरी. राइट, देन 5 की टेबल हमें 1 टाइम बोलनी है. जो हमें डिजिट दिया हुआ है ना उतने टाइम बोलनी है, ये नहीं कि ऊपर वाला टाइम. बहुत बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि कैरी की टेबल बोलने लग जाते हैं. तो हमें कितनी बार बोलना है 5 की टेबल? 1 बार. 5 1 ज़ा 5, और कैरी इसमें ऐड करनी होती है. तो 5 1 ज़ा 5 प्लस 2, हाउ मच? 7. देन 5 की टेबल 2 टाइम्स, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0 हियर एंड 1 बिकम्स कैरी. 5 की टेबल कितनी बार बोलेंगे? 3 बार. तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, और 1 कैरी उसको ऐड कर दो तो 16. दिस वन. ओके, आपको ये आता है मल्टीप्लिकेशन, तो आप इसी को कंटिन्यू करेंगे सारे एच तक के सारे सम्स आप सेल्फ करेंगे, और नेक्स्ट डे आपको पिक मिलेगी, उससे आप इसको चेक करेंगे. डू इट इन बुक फर्स्ट, चेक इट बाय पिक्स, एंड देन डू इन योर नोटबुक. थैंक यू.